राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक श्लोक कहा था, ग्रंथों का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अर्थात अपना ये है पराया ये, ऐसी सोच होना उचित नहीं। और राष्ट्रपति जी के इसी संकल्प, इसी चिंतन को चरितार्थ किया है मोदी सरकार ने, इसलिए अमेठी की सांसद होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधान सेवक का मैं आज विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि अपने पराये की सोच से परे हटकर मेरे संसदीय क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अगर मैं अमेठी की दृष्टि से देखूं, तो हमने क्या पाया, क्योंकि 50 वर्ष खोया बहुत मेरे संसदीय क्षेत्र ने। आज सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूँ कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो, तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नारी की प्रतिभा, नारी के योगदान और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में नारी की भूमिका को उल्लेखित किया है। आज इस सदन में हमारी एक वरिष्ठ नेता हैं जो निश्चित रूप से महिलाओं की दृष्टि से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करेंगी, लेकिन एक छोटा सा अपनी ओर से मेरा प्रयास है कि सदन को मैं अवगत कराऊं कि ग्रामीण अंचल में महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं, उनका यूपीए के कार्यकाल में और मोदी सरकार में क्या स्थान रहा। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक सदस्य ने यहाँ चुनाव का उल्लेख किया कि एक चुनाव से पहले एक बहुत ही प्रचलित इंटरव्यू था जिसमें विमेन्स एम्पावरमेंट की बार बार बात हुई, लेकिन वो शब्द धरती पर कितने फलीभूत होते हैं उसका मैं एक प्रमाण यहाँ देना चाहती हूँ। 2009 से लेकर 2014 तक देश भर में सिर्फ 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भारत सरकार से सहायता मिलती थी। मोदी सरकार में ये संख्या बढ़कर अब 81 लाख हो गई है। 2009 से लेकर 14 तक जो राशि इन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी गई वो लगभग 80,000 करोड़ थी, लेकिन मोदी सरकार में 2014 से लेकर 2022 तक ये राशि बढ़ाकर 4,93,000 करोड़ रुपया की गई। मैं प्रधान सेवक जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि विमेन्स डेवलपमेंट के मात्र नारे को ट्रांजिशन करके राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो उसमें अहम भूमिका नारी की होनी चाहिए। मात्र इस एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के आवंटन से ही आज वो प्रतिबिंबित होता है कि नारी और विशेषतः ग्रामीण अंचल की महिला की प्रतिभा पर देश के प्रधान सेवक को कितना नाज है और कितना विश्वास है। महोदय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मैंने सदन में पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, हमारे समाज में ग्रामीण अंचल में गरीब तबके में महिला को अगर आप कभी पूछें साल 2014 से पहले
कि क्या सार्वजनिक रूप से सर्विक्स कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का कहीं भी उल्लेख होता था। ग्रामीण अंचल और गरीब तबके की महिला ये कहेगी कि इसका उल्लेख सामाजिक दृष्टिकोण से ना हो, ऐसा नहीं था। साधन उपलब्ध नहीं थे गरीब महिला को, इसलिए वो चर्चा में इस विषय को नहीं लाती थी। आज भी हजारों सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं कि अगर बुखार भी आ जाए तो अपनी नहीं अपने परिवार की पहले चिंता करती है। मैं आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधान सेवक का और अभिनंदन करती हूं स्वास्थ्य मंत्री जी का कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 31 करोड़ कैंसर की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें से लगभग 13 करोड़ से ज्यादा देश की गरीब महिलाएं थी। ऐसा नहीं था उस महिला को पता नहीं था कि ब्रेस्ट का कैंसर हो, सर्विक्स का कैंसर हो, तो उसे किस प्रकार की सुविधा चाहिए। वो बोझ नहीं बनना चाहती थी, चर्चा नहीं करना चाहती थी, तिल तिल कर मरती थी। आज आयुष्मान भारत के माध्यम से उसे ये सुरक्षा का कवच दिया, ये आत्मीय और मानवीय काम किया। इन्हीं मानवीय मूल्यों का उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में था। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, अध्ययनशील है, निशिकांत जी का आज मैंने भाषण सुना, वो मैजिक ऑफ नंबर्स की बात कर रहे थे, 50 लाख से लेकर 90 करोड़ की यात्रा का उल्लेख कर रहे थे। अब हम संसदीय क्षेत्र जो मुख्यतः ग्रामीण है वहाँ से हैं, एक मैजिक वहाँ भी हुआ। और महोदय आपकी अनुमति से निशिकांत जी ने आज कहा वो सब ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाई। 1981 में एक फाउंडेशन ने जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भलीभांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में, रुपए का रेंट और सुरेश जी सुनिए, 623 रुपए का रेंट 30 साल तक, 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे, उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का उल्लेख इसलिए किया कि अपना और पराये का भेद ना हो। भले ही एक परिवार अपने फाउंडेशन के माध्यम से अस्पताल चलाता हो, अगर उनको भी आयुष्मान भारत में सेवा देनी है वो दे। उसका प्रतीक स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा। लेकिन महोदय, आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी उनसे संबंधित। इसमें एक मरीज का उल्लेख है जिसका नाम है नन्हेलाल मिश्रा। उस मरीज का दोष यह था कि वो उस जगह गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है और अस्पताल चलता है। और ये कहा जाता है अमेठी में, उनके परिजनों ने वीडियोग्राफिक एविडेंस दिया कि मरीज ने जाकर कहा मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हूं, मोदी जी ने कहा है 5 लाख रुपए में मेरा मुफ्त का इलाज होता है, आपका अस्पताल इसमें चिन्हित है, आप मेरा इलाज करिए। नन्हेलाल मिश्रा को लौटा दिया गया और कहा गया मोदी का कार्ड लाए हो, जाओ यहां। काश नन्हेलाल मिश्र आज इस सदन को बता सकते कि गंभीर बीमारी में लौटाए जाने से कितनी परेशानी होती है। लेकिन महोदय, ना उनकी आवाज इस सदन तक पहुंचेगी ना सदन के बाहर तक पहुंचेगी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। और ये रिपोर्ट है जो कहती है
कि मरीज की बीमारी के अनुरूप उनका इलाज नहीं हो सका। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। 623 रुपए प्रतिवर्ष 40 एकड़ जमीन पर आज भी विराजमान है। लेकिन आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधान सेवक का, अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ से ज्यादा की लागत पर अगर किसी ने दिया तो मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया।